प्रधानमंत्री जी का, जिनको इच्छा होगा कि सरकार में किनसे क्या सहयोग लेना है वो करते रहेंगे। और इस तरह का सवाल जो अभी उठा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, चित्रा जी, ये तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी है। कहीं ना कहीं हम लोगों से उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्य पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। चलिए मौका है ये बताने का कि हम कैसे जीते उत्तर प्रदेश। आप बार बार जा रहे हैं मतलब बिहार की सीटों को लेकर तो आपका कुछ होना भी नहीं है। आप बताइए ना कैसे जीते उत्तर प्रदेश। लेकिन आज नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था उससे अगले 5 सालों की क्या रूपरेखा, आपको क्या लगा कि 10 सालों में जो प्रचंड जनमत के साथ उन्होंने सरकार चलाई, आज का कॉन्फिडेंस उनका क्या नजर आया अगले 5 सालों के लिए? प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री को कभी किसी ने इल कॉन्फिडेंट देखा है? कभी नहीं। वो एक तपे तपाए राजनेता हैं, उनके मन में क्या हलचल है वो कभी किसी को ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगी। और वो भी जब गठबंधन के सारे सहयोगी हो, कैमरों की नजरें उन पर लगी हुई हो और उनको लाइव देखने वाले उस समय करोड़ों हो, तो ऐसे में कहीं से आत्मविश्वास की कभी झलकने का सवाल नहीं। लेकिन उनमें आत्मविश्वास कम हो तो क्यों, सवाल ये है भाई, इसका कोई रीजन तो है नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों की वजह से बहुमत से रह गई तो वो तो एक पूर्व घोषित गठबंधन के नेता थे और उसके तहत चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में गठबंधन को जीत मिली है। गठबंधन की बड़ी जमकर तारीफ की है। गठबंधन, मैंने आज तक कभी चंद्रबाबू नायडू को इतना बोलते हुए और उतना किसी की प्रशंसा करते नहीं सुना। नीतीश जी तो हम्बल व्यक्ति है, अगर वो कभी इनसे अलग भी हो गए तब भी बात हम्बल ही अलग। जो बातें कही गई है शशि जी की ओर से उसी को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने ये भी कहा है, क्या मतलब समझा जाए इसका? जहाँ कम वहाँ हम, नरेंद्र मोदी ने यह भी 2-3 बार बोला अपने संबोधन के दौरान, इसके मतलब मायने क्या समझे जाएं कि जहाँ पर रह गए वहाँ पर हम हैं, मजबूती के साथ रहेंगे? देखिए, नहीं, निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से जो है गरीब कल्याण की बात करते हैं, हमेशा अपने जो है सहयोगियों को सहयोग देकर उनको जो है किस तरह से मुख्य धारा में लाया जाए, राजनीति की मुख्य धारा में, सत्ता की मुख्य धारा में। और जो गरीब है हमारा, तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस तरह से हमारा तो जो संकल्प पत्र था वो ज्ञान पत्र था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। गरीब जो है कहीं से उसका कल्याण करना हमारा उद्देश्य है, वो कम न पड़ने पाए उस उद्देश्य में, किसी प्रकार से वो विकास की मुख्य धारा में उसको किसी प्रकार की कमी न पड़ने पाए, ये प्रधानमंत्री हमेशा सुनिश्चित करते हैं। अन्नदाता कभी कमजोर ना होने पाए, ये हमेशा प्रधानमंत्री जी की 10 वर्ष की नीतियों ने सुनिश्चित किया। नारी को सशक्त बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और युवा को जो है हमेशा से सशक्त बनाने की दिशा में काम करना। आप कल्पना कर सकते हैं 10 साल पहले किसी ने कौशल विकास के बारे में कल्पना क्यों नहीं की भाई? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं,
कोई कौशल विकास की बात हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जिस तरह से हमने किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा किए, आपके स्वयं आज तक के साक्षात्कार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आंकड़े दिए। आपके एक प्रधानमंत्री कांग्रेस का आशुतोष जी, जरा आप उड़ कर बताइए, क्योंकि आप छिद्रन्वेषी पत्रकार रहे हैं, तो उड़ कर बताइए किसी प्रधानमंत्री जी ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, वीपी सिंह जी ने, कभी भी जो है उन्होंने कभी रोजगार का कभी आंकड़ा दिया सरकार बनाने के साथ ही एनडीए भी खुश दिखाई दे रही है। अनुराग भदौरिया इंडिया गठबंधन के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं। ईवीएम मुस्कुराती हुई अब बैग में पैक होने के लिए जा रही है, क्योंकि अब जब चुनाव आएंगे उसके बाद वो फिर से मुस्कुराती हुई निकलेगी और हम लोग भी खुश हैं सबकी मुस्कुराहट देखकर। फिलहाल इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के लिए तमाम खबरों के लिए आप देख रही हैं आज तक। आपने कभी सोचा है कि हम बीमारी से कम उसके पकड़े जाने से ज्यादा डरते हैं? इस डर से आप बिल्कुल मत डरिए। सही समय पर जांच हो, साथ ही आपके और आपके डॉक्टर की बन जाए टीम, तो बीमारी जो है वो करीब जाने की तैयार। स्प्रिंग के 9000 से भी ज्यादा प्लंबिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ। आपके वोट से बनी आपकी सरकार, आप खुद कीजिए अपनी ड्रीम कैबिनेट तैयार। देश में चुनाव प्रधानमंत्री आपके पास हो, चुनिए अपने गृह, रक्षा और वित्त मंत्री। किसे देंगे क्या व्यवहार और किसका करेंगे अपना साफ। बनिए इस एक्साइटिंग गेम का हिस्सा और बनाइए आज। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास, थ्री फोर अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना भी एनडीए हुआ। हमने बहुमत हासिल किया,
और मैं कई बार कह चुका हूँ सरकार चलाने के लिए